अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं आपकी जवेरिया सर। आज आपके लिए लेने लाई हूं मैं ज़बरदस्त सी सर्दियों की हॉट एंड सोर की रेसिपी, जो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना कोई मुश्किल होगी ना परेशानी होगी, बहुत ही आसान तरीके से आप होटलों जैसा हॉट एंड सोर सूप घर में तैयार करेंगे। और बहुत ही जो आजकल महंगा, इतना महंगाई में बाहर के खाने खाना मुश्किल हो जाता है, बाहर की चीज़ें लेना, तो आप घर में ही तैयार करें और इंजॉय करें सर्दियों को, ठीक है? तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो आपको मेरी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है? तो मैं बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया एक पैन, इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ठीक है? और इसमें डाला है चिकन, चिकन की मैंने जो कैंडीज होती हैं वो ले लिया, और थोड़ा सा बोनलेस लिया है। अगर आप चाहें तो सारा बोनलेस भी ले सकते हैं और थोड़ी सी हड्डी वाला गोश्त। और मैंने बनानी है इसकी यखनी। यखनी तैयार करने के लिए मैंने ये चिकन इसमें डाल दिया पैन में, थोड़ी सी मैं इसकी करूँगी बनाई चिकन के ऑयल में, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या ये क्या होगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊँगी और आसान तरीके से सिखाऊँगी। और ये देखिए, मैं इसको इसकी अब अच्छी तरह से करूँगी भुनाई, क्योंकि ये था चिकन उसमें फ्रीज था, तो ज़रा खुलने में ये टाइम लेगा थोड़ा सा। इसकी भुनाई हम इसलिए करेंगे ताकि इसका कच्चा पंच हो वो ख़त्म हो जाए, चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए, ठीक है? और इसकी तब तक नहीं करेंगे जब तक इसकी ये गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। और इसमें मिक्स करेंगे 1 बड़ी इलायची जो गरम मसाले में होती है। ये जो इलायची है इसमें जब मिक्स करके फ्राई करेंगे और यखनी में डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा सूप में आएगा। और ये आप 3 से 4 दिन इसको रख भी सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा और इसमें कोई मसला भी नहीं होगा इसी इलायची की वजह से, ठीक है? और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला 1 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल थी। तो बस ये थी 2 चीज़ें डाल के इसको हमने करना है अच्छी तरह से फ्राई चिकन को, और इसको यखनी के लिए हमने तैयार करना है। तो ये हमारा चिकन अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है, ठीक है? अब इसमें यखनी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी मैंने डाला है तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा कम, ताकि जो हमारी यखनी है वो अच्छी तरह से चिकन भी गल जाए और यखनी के लिए पानी भी बच जाए, ठीक है? बस इसको पानी डाल के खड़ा कर देंगे हम 15 से 20 मिनट के दरमियान, ये हमारा चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और यखनी के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है यखनी के लिए। मैं आपको अब चेक करके दिखाऊंगी, 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, मैं अब आपको चेक करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से सॉफ्ट हो चुका है चिकन। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और ये यखनी के लिए अब शेडेड करने के लिए रेडी है, ठीक है? और हमारे यखनी का पानी भी रेडी है। तो ये यखनी का पानी मैंने छान लिया, चिकन को अलग कर लिया, अब उसको मैं शेड कर लूँगी। और पानी ज़रा थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे सूप के लिए, मैंने इसमें थोड़ा सा और नीम गरम पानी डाला है। नीम गरम डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है इसमें, ठीक है? नीम गरम पानी डाल के उसमें अब 1 चम्मच मिक्स करूँगी 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर।
चिकन पाउडर ये होगा कि आप यखनी तैयार कर दें। अगर आप चिकन इसमें नहीं डालना चाहते, यखनी के लिए आपके पास चिकन नहीं है, तो आप उसमें भी चिकन पाउडर डालें और पानी में, पानी को बॉयल दें, इसमें चिकन पाउडर 2 चम्मच डालें और आपकी यखनी रेडी है, ठीक है। और इस तरह से आप यखनी तैयार कर लें। अब इसमें डालूंगी मैं सब्ज़ियाँ, बंद गोभी है मेरे पास, थोड़ी सी गाजर है चॉप की हुई, और बंद गोभी अगर आप ना डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, और ये है शिमला मिर्च, ठीक है। अगर आपके पास मटर है, मटर बॉयल करके आप वो इसमें मिक्स कर दें, थोड़ी बहुत जो आजकल सब्ज़ियाँ चल रही हैं ना वो इसमें मिक्स कर सकते हैं आप। तो ये जो देखिए इनके कलर जो है ना इस तरह से आएंगे जब मिक्स होंगे सूप में, बहुत ही खूबसूरत से कलर आएंगे ये जब ये आप तीनों चीज़ें इसमें डालेंगे, और कलर कॉम्बिनेशन जो है ना इनका बहुत ही अच्छा आएगा। बस इन सब्ज़ियों को डाल के अब इसमें मिक्स करना है अच्छी तरह से, और फिर बॉयल आने के लिए खड़ा कर देना है ताकि अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, जो बंद गोभी है वो गल जाए, गाजर भी गल जाए और शिमला मिर्च भी गल जाए। ज़रा बंद गोभी थोड़ा सा टाइम लेगी, शिमला मिर्च और गाजर तो बिल्कुल ही गल जाएंगी जल्दी, और शिमला जो बंद गोभी है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखो बॉयल आ चुका है, हमारी चीज़ें जो है ना वो गल चुकी हैं, अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। आगे का हम प्रोसेस अब शुरू करेंगे, आगे हमने जो इसमें चीज़ें मिक्स करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या मिक्स करना है। आगे हमने इसमें अब मिक्स करेंगे श्रेड किया हुआ चिकन, जो चिकन यखनी मैंने बनाया था उसमें चिकन मैंने निकाल लिया था, वो अब श्रेड किया है, और वो चिकन इसमें सारा मिक्स कर देंगे। ये चिकन अब इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर इसको हिलाते जाएंगे चम्मच ताकि चिकन और जो वेजिटेबल्स हैं हमारी वो सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और इसके बाद इसमें डालेंगे हमने स्पाइसेस हमने सिर्फ 2 ही इसमें डालने हैं, 2 के अलावा हमें इसमें कुछ भी और नहीं डालना। टू टेबल स्पून इसमें मिक्स करेंगे काली मिर्च कुटी हुई पीसी हुई, काली मिर्च शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने आगे इसमें सिरका सोया सॉस वगैरह भी ऐड करने हैं, तो इसलिए हम इसमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, 1/2 टेबल स्पून मतलब नमक इस्तेमाल करेंगे, इसमें नमक डालेंगे। ये चिली सॉस 2 टेबल स्पून है, विनीगर है ये सिरका 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। भाई ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स करनी नहीं है, और इसको अच्छी तरह से चम्मच रहा भाई ये 2 स्पाइसेस इसमें मिक्स करने हैं। अगर आपके पास चिली सॉस हो वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस हो वो भी थोड़ी सी इसमें मिक्स कर सकते हैं, उसका ज़रा टेस्ट अच्छा आता है, थिक सी होती है वो, तो वो भी आप थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपके पास चिकन कनौर चिकन का क्यूब है सूप का, वो भी आप एक इसमें मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि उससे भी ज़रा टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस ये सब चीज़ें मिक्स करके अब इसको थोड़ा सा बॉयल देना है, तो ये ताकि तमाम जो चीज़ें हमने इसमें मिक्स की हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे में यकजान हो जाएं। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स करूँगी, कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें पानी डाल के मिक्स कर लिया इसको ताकि ये सूप का जो गाढ़ापन है वो इसी से ही आएगा।
तो इसको अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। जितनी रिचनेस आपको इसमें गाढ़ापन चाहिए बस उतने तक आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, इसमें मिक्स करना है। बाकी फिर अगर आपके इतने में ये गाढ़ा हो जाए जितना आपको ये गाढ़ा चाहिए तो मिक्स करें, अगर कम में चाहिए तो आप कम मिक्स करके बाकी छोड़ दें, ठीक है। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं कॉर्नफ्लोर देखूँगी, जितने तक ये गाढ़ा होगा उतना ही कॉर्नफ्लोर में इसमें मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर का कोई मसला नहीं होता अगर आप सूप यहाँ तक आपका रेडी है, अगर इसमें अंडा मिक्स करके आपका सूप रेडी है यहाँ तक, अगर आप देखें कि मेहमानों ने उसी टाइम आना है या घंटे बाद आना है, दो बाद आना है, शाम को आना है, आप दोपहर का बना रहे हैं शाम को आना है, तो आप उसी टाइम में गर्म करके इसको कॉर्नफ्लोर डाल के उनको पेश कर दें। अगर आपने उसी टाइम खाना है या एक दो दिन में खाना है तो आप इस तरह से कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिक्स करके, ज़रा ज़्यादा फुल गाढ़ा नहीं करना, हल्का सा गाढ़ा करके कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिक्स करके आप रख सकते हैं 2 से 3 दिन। ये बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगा जब भी आप इसको ओवन करके गर्म करेंगे, तो आप ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा आपका सूप लगेगा आपको। थोड़ा सा और मैंने अब कॉर्नफ्लोर डाल दिया है क्योंकि मुझे वो गाढ़ापन ज़रा इसका कम लग रहा था, अब मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। बस इतनी सी मुझे इसकी इतना इसको गाढ़ापन इसका चाहिए था, बस रिचनेस इसकी इतनी चाहिए थी। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 2 अंडे, 2 अंडे मैंने फेंट लिए अच्छी तरह से, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें अंडे में मिक्स कर लूँगी। अंडे हैं वो इसका फ्लेवर भी अच्छा लाएंगे और इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी अंडे की वजह से। मैं अंडे फेंट के आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करती जाऊँगी और चम्मच हिलाती जाऊँगी। अब यहाँ देखें कि अगर हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी कच्चा डाला है और अंडे भी कच्चे मिक्स किए हैं, तो इसकी वजह से हमें थोड़ी देर इसको पकाना होगा, 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाना होगा ताकि ये कॉर्नफ्लोर का कच्चापन और अंडों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये सब चीज़ें अब तैयार हो चुकी हैं, सूप हमारा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। बस इसको ढक्कन लगा के इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ, ये सूप हमारा है रेडी। बस इसको अब सर्व करेंगे, सर्व करना मैं दिखाऊंगी। हमने शीशे का बाउल ले लिया खूबसूरत सा, अब इसमें हम अपना जो सूप बनाया है वो इसमें डालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा गाढ़ा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा सूप बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस सूप के साथ अब मैंने ग्रीन चिली काट के रखी थी सिरके के अंदर, जिस सूप के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो,
यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, और मेरी वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।